this is Dr. Ashmita, and today on behalf of Prime IVF, I'm going to discuss about day 3 and day 5 embryo transfer. Which is better, is it day 3 or day 5? What are the indications and contraindications? And what are the pros and cons? So, jab hum embryo transfer ki baat karte hain, to jab egg pickup ho jati hai, uske baad hum usi din husband ke sample lete hain, taki we can proceed with IVF और ICSI. तो अगर हम पूछे कि IVF क्या होता है, IVF में हम ये करते हैं कि एक डिश में जो स्पर्म्स होते हैं और एग्स होते हैं उनको एक साथ रख देते हैं ताकि दे कैन फर्टिलाइज. और ICSI में ये होता है कि हम सिंगल स्पर्म्स को लेके उसको एग्स पे इंजेक्ट कर देते हैं. सो आफ्टर दैट नेक्स्ट डे हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं. अब बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि हमारे तो 10 एग्स निकले थे लेकिन हमें बस बताया गया है कि 3 या फिर 4 ही हमारे एम्ब्रियोज बने हैं, ऐसा क्यों? इसका आंसर यही है कि ओनली 70-80% ऑफ द जो एग्स है वही फर्टिलाइज हो पाते हैं, 100% ऑफ द एग्स फर्टिलाइज नहीं होती है. एंड दैट इज़ ओनली प्रोवाइडेड कि आपके जो एग्स की और स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है. अगर हमारे एग्स में या फिर स्पर्म की क्वालिटी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये 70-80% से भी जो फर्टिलिटी रेट है ये फर्टिलाइजेशन रेट और कम हो जाता है. तो डे 1 में फर्टिलाइजेशन हम चेक करते हैं. उसके बाद आता है डे 2. डे 2 में हम उसकी ग्रोथ को चेक करते हैं जो कि हम बोलते हैं क्लीवेज. क्लीवेज को हम चेक करते हैं कि कितने हमारे सेल्स बन रहे हैं इक्वल साइज में, कैसे है, ये सब हम चेक करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम डे 3 पे. डे 3 में हमारा जो सेल्स एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो आपके 8-12 सेल होती है. उसके बाद हम उसमें ग्रेडिंग करते हैं एम्ब्रियो की. ग्रेडिंग में आपके ग्रेड ए, बी या फिर सी होती है. अब हम आ जाते हैं कि हम डे 3 में भी इसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके क्या इंडिकेशंस हैं. जब हमारे पास एम्ब्रियोज जो है 4 से कम क्वान्टिटी के अगर गुड क्वालिटी एम्ब्रियो है हमारे पास, तो हम डे 5 का इंतज़ार नहीं करते, हम डे 3 में ही उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारे पास डे 3 में एम्ब्रियोज है, ओनली 25-30% ऑफ द एम्ब्रियोज ब्लास्ट बनते हैं, मतलब डे 5 में जाते हैं, बाकी हमारे डे 5 में नहीं जाते. इसी वजह से हम डे 3 में अगर हमारे पास कम एम्ब्रियोज बने हैं, हम ये रिस्क नहीं लेते हैं कि और 2 दिन का वेट करेंगे उसका ब्लास्ट बनने तक का. तो पहला हो गया रीज़न, अगर हमारे पास कम एम्ब्रियोज बने हैं तो हम डे 3 में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं. अब अगर हम बात करें कि लैब की क्वालिटी या फिर कल्चर की कंडीशंस कैसे है, कई कई लैब में ये देखा गया है कि जो एम्ब्रियोज है वो बस डे 3 तक ही डेवलप हो पाते हैं, डे 5 तक पहुँचते नहीं हैं. ऐसे कंडीशंस में क्या करते हैं, हम डे 3 में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं. और ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हमारे अगर डे 3 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं एम्ब्रियो तो वो अच्छे क्वालिटी के नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. डे 3 के एम्ब्रियोज भी अच्छे क्वालिटी के ही होते हैं. नाउ अगर हम बात करें डे 5 के एम्ब्रियोज की, तो डे 5 के एम्ब्रियोज में हमने ये देखा है कि जो प्रेगनेंसी के चांसेस है वो स्लाइटली हायर होती है. इसका ये रीज़न होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है कि जो हमारे डे 3 में एम्ब्रियोज थी उनमें से जो हमारे गुड क्वालिटी के ही जो एम्ब्रियोज होते हैं वो ही डे 5 तक पहुंच पाती है और ब्लास्ट बनती है. इसका मतलब ये है कि जो डे 5 की एम्ब्रियोज है ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस भी हमारी ज़्यादा हो जाती है. अगर अब हम बात करें इंडिकेशंस क्या है डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, किसी अगर पेशेंट हमारे पास आ रहा है कि हमारे पहले IVF फेलियर हो चुके हैं और हमने डे 3 में ट्रांसफ़र करवाया था, तो उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि इस बार आप डे 5 में ट्रांसफ़र करें. और अगर किसी को प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करवानी है तो उनको भी हम ये सलाह देते हैं कि आप डे 5 में करवाइए, क्योंकि डे 5 की जो एम्ब्रियोज है आपकी उनमें सेल्स ज़्यादा होती है, 8-12 सेल होती है और PGD में हमें सेल्स चाहिए होती है, तो इसी वजह से PGD में हेल्पफुल होता है अगर हम डे 5 में करवाएं. अनदर रीजन ये होता है कि जो मल्टीपल प्रेगनेंसी रिस्क होती है वो हमारी डे 5 में कम हो जाता है और मिसकैरेजेस की भी चांसेस कम होती है. अब हमें ये पता लग गया कि हमें डिसाइड कर लिया कि हमने डे 3 में करना है या डे 5 में करना है, उसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में प्रोसीड कर सकते हैं. बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसीजर होता है, एनेस्थीजिया की भी ज़रूरत नहीं होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट डे 3 एंड डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो.
और इसके बारे में अगर आपको और कोई डाउट्स हो या क्वेरीज क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे हम पे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।